आरोही हैरानी से विक्रम को जाते हुए देख रही थी। विक्रम को ऐसे मंडप से भागता हुआ देखकर इंद्राणी ने आरोही के पास आकर पूछा, विक्रम ऐसे भागता हुआ कहाँ गया? शादी के बीच उसे ऐसा क्या काम आ गया? इंद्राणी के सवालों का आरोही के पास कोई जवाब नहीं था। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम कहाँ गया था। आरोही ने विक्रम का पता लगाने के लिए उसे कॉल करना ठीक समझा। जैसे ही उसने फोन अनलॉक किया, तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, आरोही, तुम्हारा दूल्हा इसी बिल्डिंग की छत पर है, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी कि वो वहां इस वक्त क्या कर रहा है? इस मैसेज को पढ़ते ही आरोही को याद आया कि जो आदमी विक्रम के पास अभी आया था, जिसकी बात सुनकर विक्रम वहां से भागता हुआ निकल गया, वो भी छत के बारे में ही कुछ बात कर रहा था, वो भी छत की तरफ भाग गई। आरोही को भी इस तरह मंडप से भागता देखकर पूजा ने आवाज लगाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरोही ने किसी की भी नहीं सुनी। विक्रम अभी छत पर पहुंचा नहीं था। जिस छत की तरफ विक्रम और आरोही निकले थे, उस छत पर शिवानी मौजूद थी। शिवानी 25th फ्लोर की छत की दीवार के पास खड़ी होकर विक्रम को वहां बुलाने की जिद कर रही थी। जैसे ही लिफ्ट खुली, विक्रम भागता हुआ छत पर आ गया। शिवानी को इतनी ऊंचाई पर ऐसे खड़ा देखकर विक्रम दो पल के लिए घबरा गया। उसने शिवानी को पीछे से आवाज देते हुए कहा, शिवानी, मैं आ गया हूं यहां, पहले तुम नीचे आओ, फिर हम आराम से बात करते हैं। मैं तभी नीचे आऊंगी जब तुम मुझे अपने साथ अपने घर में रहने दोगे। हाँ, मुझे मंजूर है, तुम बस अभी नीचे आ जाओ। विक्रम की बात सुनकर शिवानी नीचे आ गई। नीचे आने के बाद शिवानी ने देखा कि विक्रम दूल्हे के कपड़े पहने हुए था। वैसे तो शिवानी को सब पता था कि आज विक्रम और आरोही की यहाँ शादी हो रही है, लेकिन उसने अनजान बनते हुए विक्रम से पूछा, ओह, आज तो तुम्हारी शादी थी ना, क्या तुम्हारी शादी हो गई आरोही के साथ? नहीं, अभी शादी पूरी नहीं हुई है। इस बात को सुनकर शिवानी और खुश हो गई। शिवानी ने विक्रम को लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाने के लिए मेरी शर्त मान ली, इस बात से मैं बहुत खुश हूं। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तभी तो तुम अपनी शादी छोड़कर मुझसे मिलने यहां आए। आरोही जब छत पर पहुंची तो उसने सुना कि शिवानी विक्रम से बोल रही थी, तभी तो तुम अपनी शादी छोड़कर मुझसे मिलने यहां आए। उससे पहले वहां क्या हुआ ये सब तो आरोही को पता नहीं था, लेकिन उसने अपनी आंखों से जो देखा था उसके बाद उसका दिल टूट गया। आरोही ने रोते हुए अपने मन में कहा, विक्रम अभी भी शिवानी से ही प्यार करते हैं और उसे भूलना विक्रम के लिए आसान नहीं है, तभी तो वो अपनी शादी के मंडप से भाग गए। उनके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उस मंडप में मैं भी बैठी हूँ, मुझे कैसा लगेगा। आरोही ने विक्रम और शिवानी को डिस्टर्ब नहीं किया और भागती हुई नीचे आ गई। आरोही, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? और विक्रम कहाँ है? क्या तुम उससे मिली? आरोही ने इंद्राणी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगी। तभी लता वहां आ गई। लता आरोही को दुल्हन की तरह तैयार देखकर बोली, आरोही, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज तुम्हारी शादी है ना? तुम्हारे पापा ने भी मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करेंगे, लेकिन वो कब आएंगे वापस और कब करेंगे मुझसे शादी? अपनी माँ की बात सुनकर आरोही और जोर से रोने लगी। आरोही ने अपनी माँ को हक किया और मन में सोचने लगी कि उसकी और उसकी माँ की किस्मत में ज्यादा फर्क नहीं है। अपनी माँ को हक करने के बाद आरोही ने एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसने खुद से कहा, शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया था, मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था कि विक्रम कभी मेरे बारे में सोचकर कुछ करेंगे। वो आज तक जो कुछ भी करते आए सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ, और मैं भूल कैसे सकती हूँ कि वो मुझसे हमेशा बोलते थे कि तुम्हारी जगह कोई भी मेरी वाइफ होती तो मैं उसके लिए भी यही करता। मैंने बेवजह ही सोच लिया था कि विक्रम शिवानी को भूलकर मुझसे प्यार करेंगे। आरोही अब वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। आरोही ने देखा कि कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे वो आराम से बाहर निकल सकती थी। आरोही उस खिड़की से निकलकर वहां से भाग गई। कमरे के दरवाजे पर खड़ी इंद्राणी और पूजा आरोही से दरवाजा खोलने के लिए बार बार बोल रही थी, लेकिन आरोही कमरे में होती तब दरवाजा खोलती ना। सब लोग बहुत परेशान थे। तभी विक्रम भी वहां आ गया। विक्रम को वहां देखकर इंद्राणी ने विक्रम से घबराती हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ, आरोही तुम्हारे साथ थी क्या?
ऐसा क्या हुआ कि आरोही रोती हुई यहाँ आई और बिना कुछ बोले ही कमरे में बंद हो गई? तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? विक्रम को कोई आइडिया नहीं था कि आरोही उसे और शिवानी को एक साथ देख चुकी थी, इसलिए विक्रम के पास इंद्राणी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। विक्रम ने दरवाजे पर लात मारते हुए दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर गया। कमरे में आरोही नहीं थी, बस उसका लहंगा वहां पड़ा हुआ था। ये देखकर सब हैरान रह गए। इंद्राणी तो चौंक गई और उसके मुंह से अचानक ही निकला, आरोही कहाँ गई? शादी में जितने लोग थे सब आरोही को वहां नहीं देखकर हैरान थे। सबके बीच ये बात फैल गई कि ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आज अपनी ही शादी से विक्रम की दुल्हन भाग गई। आखिर कहाँ गई आरोही? क्या विक्रम आरोही को ढूंढ पाएगा? क्या आरोही और विक्रम की शादी हो पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।